बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को और उसके कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का आगाज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है और इन सीरीज ऑफ स्टेप्स के जरिए एक डेटाबेस को सक्सेसफुली डिजाइन किया जाता है। तो ये देखिए, The main objective of database design process is to map conceptual data model into implementation model. यानी database को design करने का जो असल मकसद है वो conceptual data model को implementation में convert करना है। तो दोस्तों, यहाँ conceptual data model से क्या मुराद है? Conceptual data model ऐसा model होता है जो कि database designing process का सबसे पहला model होता है, जिसको कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिजाइन नहीं करता, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कस्टमर अपने बिजनेस के लिए डेटाबेस सिस्टम बनवाना चाहता है वो डिजाइन करता है। और आपको इसके नाम से भी अंदाजा हो रहा होगा कि जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होंगे डेटाबेस को डेवलप करने के हवाले से, कि एंटिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उनके एट्रीब्यूट क्या होंगे और उन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या होंगे, इन सब को कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में डिफाइन किया जाता है। और दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हम किसी किस्म के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लोकेशन, स्पीड या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तायुन नहीं करते, बल्कि यहाँ सिर्फ एक डेटाबेस में कॉन्सेप्चुअली क्या क्या चीजें होंगी इनका तायुन किया जाता है। फिर उन चीजों को जैसे कि एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स के दरमियान और एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स को पेपर पर मुंतकिल किया जाता है। यानी ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जरिए इनको पेपर पर दिखाया जाता है और फिर उस डायग्राम को इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल वो मॉडल होता है जहाँ एक्चुअल में हमारा डेटाबेस सिस्टम तैयार होता है, और इस मॉडल में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लोकेशन, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, हर एक चीज का तायुन किया जाता है, क्योंकि इस स्टेप में दरअसल हमारा एक्चुअल डेटाबेस सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया जाता है जिनके लिए इसे डिजाइन किया गया होता है। और दोस्तों, इस इम्प्लीमेंटेशन के फेज में हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ उन लोगों की भी जरूरत होती है जो कि हमारे कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को इम्प्लीमेंटेशन में तब्दील करें, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स वगैरह। और इन तमाम लोगों के अलावा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारे बनाए गए डेटाबेस सिस्टम को मैनेज कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा प्रोसेस है आपके जहन में मौजूद कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने का। और ये इसका एक पॉइंट देखिए, द डेटाबेस यूजर रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन that is complete and up to date so that they can access this information quickly and easily. yani dosto, ab jab humne apne database ko design karke implement kar diya, aur implement se murad hai ki humne jin customers ke liye ye database system banaya tha unke hawale kar diya, to ab us database system mein do khususiyat honi hi chahiye ki us database system mein rakha tamam information complete ho, mukammal ho, एरर फ्री हो और साथ के साथ वो इंफॉर्मेशन हर वक्त अवेलेबल भी हो ताकि यूजर बा आसानी डेटा को एक्सेस भी कर सके और तेजी के साथ उस इंफॉर्मेशन पर अपने ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करवा सके। और दोस्तों, इन दोनों की पॉइंट्स को हमारे डेटाबेस सिस्टम में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आइए दोस्तों, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर तमाम एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, These are the steps to develop a database. यानी अभी तक हम जिन sequence of steps की बात करते आ रहे थे, वो ये तमाम steps हैं। और इन तमाम steps को बारी-बारी fulfill करके ही हम एक successful database को design, develop और implement कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला step है, वो है planning का। और यहाँ planning से मुराद है कि जब एक customer अपनी organization के लिए एक डेटाबेस सिस्टम का प्लान करता है, यानी एक नया डेटाबेस सिस्टम बनाने का सोचता है कि व्हाई आई नीड अ न्यू डेटाबेस सिस्टम फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जब उसको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाता है
तो वो इसी स्टेप में अपने स्कोप्स को भी आइडेंटिफाई करता है, यानी अपनी लिमिटेशंस पर भी गौर करता है कि नए बनने वाले सिस्टम के हार्डवेयर कौन से हो रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से रिक्वायर्ड होंगे, टाइम कितना चाहिए होगा, एम्प्लॉयज कितने चाहिए होंगे, ओवरऑल मेरा बजट कितना है और इस नए बनने वाले सिस्टम पर कॉस्ट कितनी आएगी, यानी हर एक एस्पेक्ट से प्लानिंग करता है। अब जब इस स्टेप में उसको अपनी लिमिटेशंस और किस प्रॉब्लम की वजह से वो ये डेटाबेस सिस्टम बनवाना चाहता है इसका पता लग जाता है, अब वो इन तमाम चीजों को हवाले कर देता है उन लोगों के जिनसे वो ये नया डेटाबेस सिस्टम बनवाना चाहता है। और यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है एनालिसिस का। दोस्तों एनालिसिस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनालिसिस के मानी होते हैं रिक्वायरमेंट्स के। तो इस स्टेप में सिस्टम एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करता है और ये रिक्वायरमेंट्स इस हवाले से होती है कि पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये नया बनने वाला सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है, और साथ के साथ इस नए बनने वाले सिस्टम में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही तो नया डेटाबेस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों अब सिस्टम एनालिस्ट तमाम रिक्वायरमेंट्स को दे देता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, और यहाँ से हमारा डेटाबेस सिस्टम की डिजाइनिंग का आगाज होता है। और दोस्तों डेटाबेस डिजाइनिंग को एक डेटाबेस सिस्टम की बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्चुअली तौर पर बनकर तैयार हो जाता है, इसीलिए इसको कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो दोस्तों लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब हम चार चीजों को डिफाइन करते हैं कि नए बनने वाले सिस्टम की एंटिटीज कौन सी होंगी, उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या होंगे, और उन रिलेशनशिप्स के दरमियान नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन से यहाँ मुराद है कि अगर एक ही रिलेशन बार बार डुप्लीकेट हो रहा है या रिलेशन के अंदर एक ही डेटा बार बार डुप्लीकेट हो रहा है तो उस डुप्लीकेशन को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है, और ये तमाम काम इसी लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में किया जाता है। अब दोस्तों जब ये चारों चीजें डिफाइन हो जाती हैं तो इन्हें एक डायग्राम जिसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को अब एक्चुअल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर मैप किया जाता है, जिसमें एंटिटीज को टेबल्स में, एट्रीब्यूट्स को कॉलम में और डेटा को रोज में तब्दील किया जाता है, और साथ के साथ इन तमाम टेबल्स के दरमियान कीज के जरिए रिलेशनशिप्स भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन का जो ये तमाम पार्ट है इसको एज एन इनपुट दे दिया जाता है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को, और ये हमारे डेटाबेस डिजाइन का लास्ट स्टेप होता है। इसमें एक्चुअल में हम हर एक वे में डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर होगा, डेटाबेस की परफॉर्मेंस कैसी होगी स्पीड और स्टोरेज के हवाले से, हाँ तक कि डेटाबेस की सिक्योरिटी, बैकअप और इंटीग्रिटी के हवाले से भी तमाम कंपोनेंट्स को फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में ही डिजाइन किया जाता है। और दोस्तों यही वो डिजाइन होता है जहाँ पर डेटाबेस सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लोकेशन का भी तय किया जाता है। अब जब फिजिकल डेटाबेस डिजाइन हो जाता है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज को दे दिया जाता है, और इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन था उसे एक्चुअल में डेवलप किया जाता है, यानी अमली जामा पहनाया जाता है, और फिर उस डेटाबेस सिस्टम को जो कि आपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में डेवलप किया है इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए ये नया डेटाबेस सिस्टम डेवलप किया गया था। और दोस्तों इसके बाद लास्ट स्टेप है डेटाबेस रिपोजिटरीज। दोस्तों डेटाबेस में तो सिर्फ डेटा को स्टोर किया जाता है, जबकि रिपोजिटरीज इस तरह का डेटाबेस होती हैं जो कि मेटा डेटा को स्टोर करती हैं, यानी मल्टीपल डेटाबेसेस के स्ट्रक्चर को, उसकी डेफिनेशंस को, एंटिटीज और टेबल डेफिनेशंस को, यानी मल्टीपल डेटाबेसेस की डेफिनेशंस को स्टोर करती हैं। फिर फ्रेंड्स ये तमाम स्टेप्स थे एक डेटाबेस को, एक नए डेटाबेस को डेवलप करने के। यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।